क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था पाइथन प्रोग्रामिंग का इंस्टॉलेशन, जो कि मैंने वीएस कोड में किया था। अगर आप लोग इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा उसमें। और मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम कराया था, जो कि हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो आप लोग वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है हमारा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने टेबल की तरफ, जो हमारी कीवर्ड्स की है पूरी, जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करेंगे सारे कीवर्ड्स, उसकी मैंने एक टेबल बनाकर रखी है। सो अगर आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वेबसाइट की। नेक्स्ट आएगा हम लोग आइडेंटिफायर, हम लोग सबसे पहले उसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, यानी कि हम लोग कैसे आइडेंटिफायर्स को नेम देते हैं, कोई नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं उनके, वो सब हम देखेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमेंट्स, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। कमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन एक मल्टीपल लाइन, यानी सिंगल लाइन कमेंट करना और मल्टीपल लाइन कमेंट करना। कमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड फंक्शनैलिटीज। दे आर पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज सिंटैक्स एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स एक्सेट्रा। यानी कि शुद्ध और सीधी आसान भाषा में समझिए फ्रेंड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, वो एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि उनका एक स्पेशल मीनिंग है, उनकी एक फंक्शनैलिटीज है, और हम लोग उन्हें कहीं पर भी उनका डुप्लीकेट नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ, तो हम लोग इफ को कहीं और यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते कहीं भी। हम लोगों को कुछ और नाम बनाना होगा इफ के फॉर्म में, हमें इफ के आगे कुछ और लगाना होगा या उसको पीछे कुछ लगाना होगा, हम लोग तब उसे यूज कर पाएंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इफ को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफ क्या है, एक रिजर्व वर्ड से कीवर्ड है एक। सो कीवर्ड की एक अलग फंक्शनलिटीज होती है, वो अपना ही काम करते हैं, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं। तो उसे अगर कहीं यूज करोगे भी तो वो अपना काम ही करेंगे, उनकी जो स्पेशल मीनिंग है, उनकी फंक्शनलिटी है, वो अपने ही परफॉर्म करेंगे अपना वर्क। सो उस टाइप से हमारे कीवर्ड होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग हमारे कीवर्ड के। तो सबसे पहले आता है हमारा इफ, जो कि मैंने इधर बताया, इफ एल्स एलिफ वाइल फॉर इन ट्रू फॉल्स, इस टाइप से हमारे होते हैं। मैं इसकी पूरी टेबल भी दूंगा आपको। अभी आप इतना समझिए, कीवर्ड जो हमारे होते हैं वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका एक अलग मीनिंग होती है, अलग फंक्शनलिटीज होती हैं। तो ये रही हमारे टेबल ऑफ कीवर्ड, इसमें हमारे सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। आप लोगों को जरूर नहीं कि सारे कीवर्ड्स लर्न हो, आप लोग इनको जब अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएंगे। वैसे हम लोग कुछ मेनली यूज करते हैं अपने, फॉल्स है, नन, ट्रू, एंड, और अपना है ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एलिफ है, इफ और फॉर, एल्स है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इन, इज, लैम्डा, लैम्डा फंक्शन होते हैं, नॉट, और इस टाइप से हम लोग पास भी हमारा यूज़ होता है, और रिटर्न, इस टाइप से हम लोग अपने यूज़ करते हैं, ट्राई भी है एक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे ना अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की इस पूरी प्लेलिस्ट में। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमारे। सो आइडेंटिफायर्स इन पाइथन आर नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स। आइडेंटिफायर्स हमारे नेम होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो वेरियस प्रोग्राम के एलिमेंट्स को हम लोग नेम देते हैं। प्रोग्राम के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, एक फंक्शन होता है, फंक्शंस होते हैं, क्लास होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इन सबको नेम देते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई यानी किसी चीज़ पहचान होनी है। तो हमारी पहचान कैसे होती है, हमारे नाम से होती है, तो उसी टाइप से इन लोगों की पहचान कैसे होगी, वेरिएबल्स की, फंक्शन की, किसी पाइथन प्रोग्राम की पहचान कैसे होगी, उसके नेम से, उसका नेम रहेगा। तो उसी टाइप से आइडेंटिफाई वो होते हैं जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, एक वैलिड नेम देते हैं उन लोगों को। अब बात ये आती है कि हम लोग अपना वैलिड नेम दे कैसे। भाई ये तो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो हम ऐसा दे नहीं सकते राम श्याम गोपाल, उससे एक वैलिड, उससे कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होती है, तो हमें वो फॉलो करनी है। तो उन्हीं को फॉलो करेंगे तभी हम लोग एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम दे सकते हैं अपने प्रोग्राम को। सो उसके चार रूल होते हैं, वो चार रूल मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल, अभी मैं आप लोगों को चार रूल बताऊंगा जिससे हम लोग एक वैलिड नेम दे सकते हैं अपने वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल को, किसी को भी। आगे लिखा है इसमें, दीज नेम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड रेफरेंस दीज एलिमेंट्स विद इन द प्रोग्राम। यानी कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, आप एक नाम को दो बार यूज नहीं कर सकते। एक आइडेंटिफाई एक आईडी होती है एक टाइप की, आप इस चीज़ को बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे आईडी हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, आपकी अलग होगी, उसकी अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, उसी टाइप से दोबारा यूज नहीं कर सकते आप इस प्रोग्राम में एक नाम को। सो अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशंस के, आइडेंटिफायर्स के। सो सबसे पहले आता है हमारा, दे मस्ट स्टार्ट विद एज एड और एन अंडरस्कोर। यानी कि आप लोग कैपिटल एज एड भी ले सकते हैं, स्मॉल एज एड भी ले सकते हैं, आप स्टार्ट अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, यानी कि अंडरस्कोर में आप यूज कर सकते हैं राम, इस टाइप से आप राम भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर आप लोगों को आगे लगाना इंपॉर्टेंट है बस। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी स्मॉल कैरेक्टर से भी, ए बी सी, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटल से भी, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखा है स्मॉल और कैपिटल और एक अंडरस्कोर। सो आप लोग ये बात ध्यान रखनी है कि स्मॉल एज एड ले सकते हैं आप, कैपिटल एज एड ले सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं अपना अंडरस्कोर शुरुआत करते टाइम।
आगे लिखा है द रेस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर कैन कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर, यानी कि आपने शुरुआत तो कर दी ए से या कैपिटल ए से, सॉरी कैपिटल ए, या फिर आपने स्टार्ट कर दिया अंडरस्कोर से, और बाकी का जो है वो उसमें आप कंटेन कर दिए लेटर्स, यानी कि ए बी सी लिखिए, चाहे आप लिख सकते हो उसमें अपने नंबर्स 1, 2, 3 जो मन में है वो बना लिया आप, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं आप अपना, दो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग आपके अंडरस्कोर से हुआ, आप बाद में कुछ भी लिखें कोई मतलब नहीं है उसमें। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, माई वी ए आर एंड माई वी ए आर डिफरेंट। आप इन दोनों में डिफरेंस बताइए सबसे पहले, तो क्या है माई वी आर और माई वी आर में, जो इन लोगों का वी है आप लोग ध्यान से देखिए, जो वी है इसका और जो वी है इसका, वो दोनों ही अलग अलग है, यानी कि ए वाला है अपर केस हमारा और ए वाला है हमारा लोअर केस। तो जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग कंपाइलर है वो इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखेगा, यानी कि माई वी आर ये वाला एक अलग हम लोगों की कंटेनर बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, और ये वाला हम लोग के लिए अलग ही परफॉर्म करेगा वर्क। सो ये दोनों अलग अलग हैं, आप लोग अगर देखे जाए तो आप लोग उनको सेम लगेंगे दोनों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन कंपाइलर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए कैपिटल वी है और इसके लिए वो स्मॉल वी है, दोनों को वो अलग ही ट्रीट करेगा अलग तरीके से। और जो लास्ट रूल है वो है हमारा दे कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। मैंने पाइथन कीवर्ड आप लोग को बता दिया, रिजर्व कीवर्ड से उनका अलग फंक्शनलिटीज है, उनके एक स्पेशल मीनिंग होती है, सो आप लोग उनका नेम की तरह यूज नहीं कर सकते किसी आइडेंटिफायर में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास एफ है तो आप लोग उसका यूज़ करेंगे ओनली कंडीशनल स्टेटमेंट में, आप लोग एज अ आइडेंटिफायर उसका नेम नहीं रख सकते। चलिए अब बात करते हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो पहला आता है हमारा वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, इसके स्टार्ट हुई लोअर केस से और आगे इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर और एक और अंडरस्कोर और आइडेंटिफायर इक्वल्स टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सही है ये भी ठीक है। इसमें अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है और आगे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है नहीं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा माई अंडरस्कोर फंक्शन, अगर आप देखेंगे तो फंक्शन जो है हमारे वो कीवर्ड है हमारा, इसमें तो हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है, ये क्यों है, क्योंकि इसके साथ है अंडरस्कोर और माई। अगर आप अंडरस्कोर फंक्शन भी लिखेंगे ना हमारा, तो अभी वो वैलिड रहेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे अंडरस्कोर और फंक्शन लिखेंगे आप आगे का जो भी फंक्शन है, तो वो भी वैलिड आइडेंटिफायर रहेगा हमारा, क्योंकि इसके साथ अंडरस्कोर है, इसको स्टार्ट किससे हुई, अंडरस्कोर से हुई है। लास्ट है हमारा माई क्लास, तो माई क्लास में हमारी जो क्लास है वो एक फ्रेंड्स कीवर्ड है, और जो हमारा माई है वो एक अपर केस है, और अपर केस से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं, सो हम लोग इसे भी एक वैलिड आइडेंटिफायर के फॉर्म में लेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो जो पहला आता है हमारा वो आता है 1, 2, 3 वेरिएबल। सो इसमें देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हुआ है हमारे न्यूमेरिक से, क्योंकि हम लोग करना नहीं, हम लोग को स्टार्ट करना है अपने अपर केस से, लोअर केस से और हमारे एक अंडरस्कोर से ओनली। उसके बाद में आप कुछ भी लिखिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग इसी से करनी है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी। आगे हमारा इफ, इफ क्या है, एक हमारा कीवर्ड है, सो ये तो पहले गया। आगे आता है हमारा इफ, इफ क्या है फ्रेंड्स, एक कीवर्ड है, वो मैं कब से बता रहा हूँ आप लोगों को, कि इफ हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होता है। सो ये क्या है, एक कीवर्ड है, जिसे भी हम लोग वैलिड आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो लास्ट है हमारा माय वेरिएबल, माय हाइफन वेरिएबल, सो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स आ गया बीच में जो हमारा हाइफन है, सो हम लोग इसे भी एक वैलिड आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में नहीं लेंगे। माय इसने स्टार्टिंग जरूर अपने लोअर केस से करी है, लेकिन इसका जो आगे का टर्म है वो काफ़ी बेकार है, हाइफन है इसमें, सो हम लोग इसे भी नहीं लेंगे वैलिड आइडेंटिफायर में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हमारे वीएस कोड स्टूडियो में, और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कुछ वैलिड आइडेंटिफायर और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी एक फाइल, फाइल को मैं नेम दूंगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर डॉट पी वाई, हम लोग पूरी इस प्लेलिस्ट में डॉट पी वाई एक्सटेंशन का यूज करना है, पी वाई फॉर पाइथन। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स। मैं लेता हूँ सबसे पहले माई वेरिएबल अपना, माई वेरिएबल को मैं वैल्यू देता हूँ 45, सॉरी वेरिएबल होना है इधर पर, वी आर ई ए वी एल ई, वेरिएबल हो गया मेरा। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माय वेरिएबल, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर से स्टार्टिंग है, इसको मैं वैल्यू देता हूँ अपनी 56। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक अपर केस वाला, सो माय वेरिएबल, इसको वैल्यू देता हूँ मैं अपनी 34 वैल्यू दी। अब मैं इन सब कराता हूँ जल्दी से प्रिंट, प्रिंट सबसे पहले आएगा हमारा बड़ा वाला कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ अपना छोटा वाला वेरिएबल आएगा हमारा, उसके बाद एक अंडरस्कोर वाला, अंडरस्कोर देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो देखिए ये तीनों प्रिंट हो गए, ये वैलिड आइडेंटिफायर हैं। अब मैं लेता हूँ कुछ इनवैलिड, तो इनवैलिड के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा नंबर, पहला आया मेरा नंबर, नंबर से मैंने स्टार्टिंग करी जो कि मैंने करनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, ये ले लिया मैंने स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पर मैं नेम के अंदर लेता हूँ एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मैंने लिया हैशटैग यहाँ पर। चलिए अब रन कराते हैं इसे। तो देखिए ये बता रहा सिंटैक्स एरर, यानी कि आप इस टाइप से इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी कि आप इस टाइप से अपना कोई आइडेंटिफायर को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, एक सिंटैक्स एरर है ये। सो मैंने आप लोगों को सारे बता दी कि वैलिड आइडेंटिफायर्स हम लोग कैसे बनाएं, इन वैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे बनाएं। अब चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से कमेंट्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स इन पाइथन यूज टू एक्सप्लेन एंड डॉक्यूमेंट द कोड, यानी कि कमेंट का हम यूज करते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर और अदर रीडर्स ऑफ द कोड, जैसे कि आप लोग गिटहब देखा और आपने गिट का नाम सुना होगा, तो आप लोग उसमें अपना कोड क्या करते हैं, रिपो में डालते हैं अपने, अगर कोड को कुछ कमेंट डालें, कुछ कमेंट डालें जिसमें कि वो इन्फॉर्मेशन दे अपने
कोड के बारे में। सो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो प्रोग्रामर है कोई देखने वाला आया आपके कोड को, या फिर कोई रीडर है कोई पढ़ना चाहता है आपके कोड को, तो उसे काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं वो चीज़ें। आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे उसी कोड में कि हमने उस कोड में क्या किया है एक्चुअली, तो वो काफ़ी सही रहता है कमेंट लगाना अपने कोड में। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर एंड फॉर द ह्यूमन रीडेबिलिटी ओनली, यानी कि अगर हम लोग कोई कमेंट लगाते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है, उससे वो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है जिस लाइन में हमने अपना वो लगाया है, कमेंट लगाया है। और जो कमेंट्स होते हैं हमारे वो सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, यानी कि सिर्फ उन्हें ह्यूमन ही पढ़ पाएगा, जो हमारी मशीन है वो उसे इग्नोर कर देगी। सो पहला टाइप आता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, यानी कि एक लाइन को हमें कमेंट करना, अगर हमें एक लाइन कमेंट करनी है ओनली अपनी, तो हम लोग यूज़ करेंगे अपना हैशटैग, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं हैशटैग, और हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे अपना स्लैश, इस टाइप से हम लोग स्लैश यूज़ करते थे अपने। एनीथिंग फॉलोइंग द हैशटैग सिंबल ऑन डैट लाइन इज कंसिडर्ड एज कमेंट, यानी कि अगर कोई लाइन हैशटैग के बाद लिखी है, जैसे कि ये लिखा है हैशटैग के बाद, तो वो क्या करे समझेगी, कमेंट समझी जाएगा पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। जैसे इसमें लिखा है दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, हैशटैग लगाया इसने और उसके आगे जो आपको लिखना है लिखिए, वो लाइन क्या होगी, रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसने क्या किया, हैशटैग लगाया, उसके बाद अपनी पूरी लाइन लिखी। आप लोग भी ऐसा करिए, आप लोगों को अगर कोई सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप लोग उसमें हैशटैग लगाइए और आप लोग उसके आगे जो लिखना है लिखिए, ये लेकिन एक सिंगल लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स डॉक स्ट्रिंग्स, व्हाइल पाइथन डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर मल्टीपल लाइंस कमेंट्स, ट्रिपल कोट्स और ऑफन यूज फॉर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स नोन एज डॉग स्ट्रिंग्स, यानी कि हमारे पाइथन जो है उसमें कोई वो नहीं दिया गया मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स के लिए कोई अलग से सिंबल, हम लोग ओनली यूज़ करते हैं अपना ये वाले जो हमारे डबल कोट्स दिए और ट्रिपल कोट दिए, हम लोग इनका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप तीन डबल कोट लगा दें एक साथ, या फिर आप तीन सिंगल कोट ही लगा देंगे कंटिन्यूस एक साथ, तो आप लोगों की जो मल्टीपल लाइन्स है वो कमेंट हो जाएंगी। अब ये कैसे करना है मैं आप लोगों को वीएस कोड में करके दिखा देता हूँ, दोनों ही कमेंट सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कमेंट्स क्या होते हैं पहली बात तो, और सिंगल और मल्टीपल लाइन कमेंट्स हमें कब यूज़ करना है कैसे करना है। सो मैं जैसा कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ अपना ए इक्वल्स टू फाइव, एक एडिशन का प्रोग्राम लिखता हूँ मैं यहाँ पे और सिक्स दिया, मैं इनका एडिशन प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी किया और रन कराऊँ इसे, सो ऑब्वियसली हम लोग को 11 देगा, 11 दे दिया इसने। अगर आप लोग यहाँ पे कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने यहाँ पर एडिशन कराया इसका यूज़ करके, सो हमने यहाँ पर लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पर मैं दूंगा हैशटैग लगा दूंगा एक हैशटैग। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे हैशटैग लगाया, ये पूरी लाइन क्या हो गई हमारी ब्लू हो गई, कुछ लोगों की मैं ग्रीन भी हो सकती है जो हम आप लोग थीम यूज़ करते हैं वीएस कोड स्टूडियो में। और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रन कराऊँ फ्रेंड्स, तो इसमें कोई रन नहीं होगा, ये खाली खाली स्क्रीन आ जाएगी हमारी, ये खाली स्क्रीन आई। और अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके रन कराऊँ, पूरा रन कराऊँ, तो देखिए 11 आ रहा है, यानी कि ये जो लाइन है वो पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या कर दी, इग्नोर कर दी, इसमें आगे वो काम नहीं करेगा। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स की बात करूँ, मल्टीपल लाइन की बात करूँ, इसमें मैंने लिखा दिस, फिर मैंने लिखा इज, आ मैंने लिखा मल्टीपल, एम यू एल टी आई मल्टीपली, मल्टीपल लाइन्स मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीपल लाइन्स। अब मैं यहाँ पर लगाऊँ तो कोट्स, जैसे मैं लगा देता हूँ अपना सिंगल कोट, एक दो तीन, मैंने ये लगाए, फिर मैंने यहाँ पर लगाया एक दो तीन, तो देखिए अब जो है हमारा ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो देखिए 11 का 11 आया। और अगर मैं सिलेक्ट करके भी रन कराऊँ, ओनली सिलेक्ट करके रन कराऊँ इसी इसी लाइन को, तो ये भी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी, खाली आ गया हमारा पूरा टर्मिनल। अगर आप लोग कोई सिंगल लाइन का यूज़ करना है, सिंगल लाइन कमेंट करना, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है सिंगल लाइन में, तो आप लोग लगा यूज़ करिए हैशटैग। और मल्टीपल लाइन्स में अगर आप लोग देना है, यानी कि दो तीन लाइन है आप लोगों को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अपने कोड में, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट और डबल कोट अपने कंटिन्यूस फॉर्म में, तीन बार आप लोगों को टाइप करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जाकर देखिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों को डाउट बिल्कुल दूर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।